बहुत सी खवातीन ये चाहती हैं कि हमें बाजार में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, केमिकल्स हैं उसमें, तो आप हमें घर के अंदर बनाए जाने वाले कुछ ऐसे मास्क बताएं, कील महासों को दूर कर दें और जिल्द को जो है वो हमारे पहले से ज्यादा साफ कर दें और एट्रैक्टिव कर दें। माल्टा होता है, ऑरेंज जिसे कहते हैं, इसके छिलकों को खुश कर लिया जाता है, खुश करने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया जाता है, बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया जाता है। इसमें दो चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, एक तो ये है कि आपने शहद मिलाना है जो कि एक बड़ा चम्मच होना चाहिए, और ये जो आपका पाउडर होगा ये भी एक चम्मच बड़ा या डेढ़ चम्मच होगा। अब इसमें एक चीज़ का और एडिशन करना है, वो है हल्दी। तो वो हल्दी, आप ये मास्क आपका हल्दी, शहद और ऑरेंज का जो छिलका होता है उसको आप ग्राइंड करते हो, उससे फिर इसके अंदर पानी डालते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। वो पेस्ट बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि लई सी बन जाती है, जैसे कि आटा होता है वैसे हो जाता है। इसको जो है चेहरे पर भी लगाएँ, गर्दन पर भी लगाएँ, हाथों पर कोहनी तक लगाएँ, जितना भी आपको चाहिए उसको बना लीजिए, 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए, फिर सादा पानी से धो लीजिए। ये अमल रोज़ किया जा सकता है, रात को भी किया जा सकता है और अर्ली मॉर्निंग भी किया जा सकता है। तो ये भी घर का बनाया हुआ एक मास्क है जो कि आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाएगा और आपके स्किन को जो है वो जो जिन टॉनिक्स की और मिनरल्स की ज़रूरत है वो भी देगा। बस ये करना ज़रूरी होता है कि आप जो है अपने चेहरे को धोने के बाद गंदे टॉवल से, गंदे कपड़े से साफ न कीजिए। टिश्यू टॉवल्स मिलते हैं जो कि आपके चेहरे को आप उसे एब्जॉर्ब करके थपथपाएं यूं 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 कर। होम्योपैथिक में भी एक दो जो है नुस्खे ऐसे हैं कि उनके इंग्रेडिएंट्स में आर्निका ऑयल शामिल है, कैलेंडोला शामिल है और वाइट विलो बाग शामिल है। तो कैलेंडोला जो है वो ऑयल की सूरत में है और उसमें पाउडर की शक्ल में भी होता है, लिक्विड भी इसका मिल जाता है, आर्निका ऑयल भी है और साथ में वाइट विलो बाग जिसको के जो है ये हर्ब है, इसका पाउडर बना लिया जाता है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया जाता है, इसका भी एक पेस्ट बन जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैलेंडोला बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, मैं कैलेंडोला का पाउडर और लिक्विड अपने घर में रखता हूँ, फोड़े फुंसियों के लिए, जल्द कट जाए, जख्म लग जाए, बेहतरीन चीज़ है, आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्निका ऑयल भी बड़ा पॉपुलर है होम्योपैथिक में। तो ये जो वाइट विलो बाग जो है ये तो जड़ी बूटी है, ये तो छाल है, तो ये मिल जाती हैं होम्योपैथिक स्टोर से। हो सकता है किसी ने इसका स्किन के लिए ऑयल बनाया भी हो, वाइटनिंग ऑयल बनाया हो, ये भी आप रोज़ाना जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।